हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सूप की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 टमाटर लिए हैं जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, 1 प्याज लिया है जिसे हमने बारीक चॉप्ड कर लिया है, 1 बड़ा बैंगन लिया है, 3 से 4 हमने बड़े आलू लिए हैं जिसे हमने बड़े आकार में लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। मसालों में हमने लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, हींग, अमचूर पाउडर और गरम मसाला। तो चलिए फ्रेंड, इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो अभी हमारा तेल देखते हैं, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच भर कर जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हम हींग डालेंगे। हमने यहाँ पर 1/2 पिंच हींग ली है। हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब हम कटे हुए आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा दूर करके डालें क्योंकि ये गीले हैं, इससे हमारे ऊपर छींटे भी पड़ सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा दूर करके डालें क्योंकि तेल बहुत गर्म है। अब हम प्याज और आलू को एक साथ ही रोस्ट करेंगे ताकि वो जल्दी से दोनों एक साथ रोस्ट हो जाएं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि हमारे आलू और प्याज अच्छे से भुन जाएं। हमने अभी तक अपने बैंगन को नहीं काटा है क्योंकि काटने पर वो काला पड़ जाता है। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसका वेट करेंगे। जब हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे हम अपने जो बैंगन है उसे काट लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच भर कर नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च और 1 चम्मच भर कर हल्दी, साथ ही साथ 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर, और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और साथ ही साथ हरी मिर्च को डाल देंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज आलू सब अच्छे से गल जाएं। इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, तब तक हम अपने बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को हमने मोटे पीसेस में ही काटना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने इस शेप में काटा है। तो चलिए अब हम अपनी सब्जी को चेक करते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से गल चुकी है। अब हम सब्जी में कटा हुआ बैंगन डाल देंगे जो हमने पहले से ही काट कर रखा था। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर अपने आलू को 60 से 70% ही पकाया है, ज्यादा नहीं पकाया है क्योंकि बैंगन के साथ ये आलू अच्छे से पक जाएंगे। अब हम सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। हमारे बैंगन आलू में अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम ऊपर से अमचूर पाउडर डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर कर अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, इससे हमारी सब्जी में और अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएंगे। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सब्जी में सभी मसाले अच्छे से मिल जाए और इसका स्वाद और बढ़ जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। ये जितनी देखने में सुंदर लग रही है, उतनी ही खाने में ही स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को जरूर बना के देखिए, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को जरूर बनाएंगे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसे बनाकर देखिए और अपने अनुभव मेरे चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिए, उसकी आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे जाकर जरूर फॉलो कीजिए। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।